बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मेरे क्लाइंट के हेयर्स हैं, हम इसमें आज वर्किंग करेंगे कट डाउन की। तो यहाँ पे मैंने वेला ब्लॉन्ड का 2 टेबलस्पून पाउडर लिया और 4 टेबलस्पून रिमोट का 40 वॉल्यूम जो है मैंने लिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जी मैंने क्लाइंट के बालों पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। जी मैं क्लाइंट के बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। आपने जो है रूट्स को छोड़कर और बहुत एहतियात से ध्यान से जो है क्लाइंट के बालों पे कट डाउन को अप्लाई करना है और ब्रश को जो है थोड़ा सा दबा के आपने लगाना है ताकि हमारे बाल क्लाइंट के बालों पे कट डाउन का रिज़ल्ट इक्वल है। यहाँ पे मैंने फुल बालों पे कट डाउन को जो अप्लाई कर लिया था उसके बाद जो है मैंने 30 मिनट्स टाइमिंग जो थी कट डाउन को दी। 30 मिनट्स के बाद जो है कट डाउन का रिज़ल्ट आपको मैं दिखाती हूँ। जी फाइनली कट डाउन की जो ये लुक थी और उसके बाद जो नीचे से इनका थोड़ा सा रह गया था तो मैंने दोबारा से पाउडर वॉल्यूम डाल के नीचे लगा के तो अच्छे से कट डाउन को जो है कट डाउन की जो है अच्छे से ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग करने के बाद जी हमने इनका शैम्पू से सर को अच्छे से वॉश किया। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, मैंने सिर्फ इनका एक ही बार कट डाउन किया, मैंने दोबारा कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ऑरेंज और रेड टोन नहीं आई बालों में। तो फाइनली हमारे कट डाउन की लुक जो है आपके सामने ही है। एक ही बार से मुझे जो है ये रिज़ल्ट इनका मिल गया था। तो इनको रूट टचिंग जो थी 7.0 रिमोट की चाहिए थी और 9.0 जो था इनको नीचे कलर चाहिए था। तो मैंने दोनों कलर्स को जो है 20 वॉल्यूम के साथ बनाया और रूट्स पे जो है 7.0 मैंने एप्लीकेशन की और नीचे जो है 9.0 रिमोट की 20 वॉल्यूम के साथ जो है मैंने इसकी एप्लीकेशन की। बस आप थोड़ा सा ध्यान और इत्मीनान से काम किया करें ताकि आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। इन्होंने पहले भी एक बार कट डाउन करवा लिया था, ये दूसरी बार इनके बालों पे और कट डाउन हो रहा था और मेहंदी भी इन्होंने एक बार बीच में लगाई थी। उसके बाद जी मैंने कलर को 30 मिनट तक छोड़ा। 30 मिनट्स के बाद अच्छे से मैंने कलर को ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग के बाद जो है हमारे कलर की फाइनली लुक ये थी। तो हमने जो है इसको शैम्पू से अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने हेयर मास्क लगाया। हेयर मास्क के बाद जो है मैंने 5 मिनट हेयर मास्क लगा के छोड़ा था क्योंकि कट डाउन जो हुआ हुआ था तो हेयर मास्क से थोड़ा सा बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जी हमारी फाइनली बालों की लुक ये थी। ब्लो ड्राई के बाद बहुत अच्छा कलर आया था, क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड थी। तो आप भी ध्यान से इत्मीनान से काम किया करें। मिलते हैं जी हम नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।